तो सुना होगा। अब दोस्तों जवान ने ये बात तो साबित कर दी है कि बेटा चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन बाप तो भाई बाप होता है। अब देखो ना, गदर टू ने 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी, लेकिन जवान की हाइप के आगे ये 500 करोड़ एसआरके की उबार फिर करने जैसे लग रहे हैं। वहीं पर से एक फैन मेड पोस्टर सामने आया है जिसमें एसआरके के अलग अलग लुक्स थे। वैसे ये पहली इंडियन फिल्म है जिसमें एक ही स्टार ने 6 से 7 लुक पर काम किया है। तो जानते हैं इनके पीछे की कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। जवान के ट्रेलर में शाहरुख खान के कुल 6 से 7 अलग अलग लुक्स दिखाई दे रहे थे। जैसा पोस्टर में शोकेस हुआ था, एक गंजे वाला लुक, दूसरा पुलिस वाला, तीसरा आर्मी वाला लुक और चौथा क्लीन शेव वाला लुक। एक बड़े बालों वाला रईस की तरह का भी लुक है। अगर आधे मास्क वाले चेहरे को भी एसआरके के एक लुक में जोड़ा जाए तो कम से कम 6 लुक्स तो दिखाई दे ही रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि फिल्म में शाहरुख खान के 7 से 8 अलग अलग लुक्स होंगे। एक एक करके सब पर बात करेंगे। पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसा कहा जा रहा था कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल में होंगे, एक बेटे का और दूसरा बाप का। बेटे वाला क्लीन शेव लुक बताया जा रहा है। लाल शर्ट में शाहरुख खान एंट्री मारते हैं, पीछे राजा कुमारी का गाया रैप बज रहा होता है। क्लीन शेव वाले से और भी कई लुक निकले हैं। एक है जिसमें शाहरुख खान पुलिस वाले बने हैं, उनके पुलिस वाले जूते फ्रेम में दिखाई देते हैं, उन्होंने आंखों पर काला चश्मा और सर पर पुलिस वाली टोपी भी पहन रखी है। इसके अलावा कुछ और लुक्स है, उन पर हम आगे बात करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि पिता आर्मी में और बेटा पुलिस में, बेटा कहीं फंस गया है, बाप उसे बचाने आता है। आर्मी वाला लुक शाहरुख के पिता वाले किरदार से है, हालांकि ये इमेज क्लियर नहीं है। शाहरुख खान ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी है और उनके हाथ में बंदूक है। ट्रेलर में एक जगह कुछ जवान सलामी देते हुए नील ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि शाहरुख नेवी या फिर एयरफोर्स में हो, या फिर कोई स्पेशल एजेंसी भी तो हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख का बाप वाला किरदार पहले आर्मी में था और अब वो क्रिमिनल हो गया है, उसी का बेटा अपने बाप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख खान के जस्ट लुक में बाल नहीं है, वो गंजे वाला लुक भी बाप वाला ही है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए ट्रेन हाईजैक करता है, ऐसा कुछ कहानी में बताया जा रहा है। बाकी पूरी कहानी पर मानने के बाद ही हमें भी मालूम चलेगी। इसी में से एक रईस फिल्म की जैसा लुक है, बड़े बाल है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, चूंकि बेटे वाला लुक क्लीन शेव्ड है और इस वाले लुक में हल्की सफेद दाढ़ी है, इसलिए ये भी पिता वाला ही लुक लग रहा है। एक जगह शाहरुख खान के पूरे शरीर पर पट्टी बंधी है, ये वाला भी पिता वाला ही लुक है। कारण बताया गया था कि शाहरुख को फिल्म में किसी ने जला दिया था, इस कारण से उनके किरदार ने पूरे शरीर पर पट्टी बांधी है। जब एसआरके ट्रेलर में पट्टी खोलते हैं तो उसमें आपको उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी दिखाई देती है। इससे भी ये पक्का होता है कि ये वाला लुक पिता का ही लुक होने वाला है। इसके अलावा ऐसा लुक जिसमें शाहरुख के आधे चेहरे पर मास्क है, ये ट्रेलर आने के बाद से बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन यहाँ ये कह पाना मुश्किल है कि ये बाप का लुक है या फिर बेटे का लुक है। हालांकि पहली नजर में तो ये बेटे का ही लुक लग रहा है। एक जगह शाहरुख खान ब्लैक ड्रेस में दिखाई देते हैं, एक जगह नॉर्मल डेनिम जैकेट पहने हुए। संभव है कि ये सारे बेटे वाले लुक से ही हो, क्योंकि इनमें वो क्लीन शेप में दिख रहे हैं, साथ ही उनका कैरेक्टर जवान भी दिख रहा है। ऐसे खतरनाक लुक के साथ डेफिनेटली एसआरके गदर मचाने वाले हैं, जिसमें सेंसर बोर्ड के मेंबर का कहना है कि फिल्म में कई गूज़बम्प्स वाले सीन्स है। तो फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप जवान के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।